हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल क्रिएटिव लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यह टेंस डिस्कशन का पार्ट 6 वीडियो है। इसमें हम पास्ट टेंस के विषय में अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे कि कहाँ वॉच का यूज होता है, कहाँ वर्ब का यूज होता है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। आप लोग पास्ट टेंस को पढ़ने से पहले प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स को जरूर पढ़िएगा। हमने पिछली वीडियोज में अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, पास्ट टेंस देख लेते हैं। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। इसके पहचान के विषय में देखते हैं। वाक्य के अंत में था, थी, थे जरूर आता है मेन पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के सारे पार्ट्स में था, थी, थे वर्ड लास्ट में जरूर आता है। पास्ट टेंस में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पुरानी अवस्था के विषय में डिस्कस किया जाता है। मींस जो पास्ट टेंस होता है वो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पुरानी अवस्था के विषय में बताता है, जो चीजें बीत चुकी होती हैं। और जो मेन पास्ट टेंस होता है उसमें वॉज और वर्ब का यूज होता है। आइए देखते हैं वॉच का कहाँ यूज होता है और वर्ब का कहाँ यूज होता है। जैसा कि हमने हर टेंस में आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, दो हेल्पिंग वर्ब जरूर होते हैं, किसी किसी में एक ही होता है, बट ज्यादातर टेंसेज में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। जो वॉच है, वॉच विथ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स। जो वॉज होता है ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, कोई भी नाम आता है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट टाइप में जो नाउन्स होते हैं, जैसे लड़का या भी कुछ भी सिंगुलर फॉर्म में जो भी नाउन्स आते हैं उसके साथ वॉज यूज होता है। और वर्ग का यूज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका यूज हम बताने से पहले, कहाँ कहाँ यूज होता है इसको बताने से पहले आपको हम बताएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्ग का प्रोनाउंसिएशन एकदम गलत करते हैं, बहुत ही रॉन्ग करते हैं। ऐसा इंडिया में बहुत देखा जाता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का एकदम करेक्ट नहीं करते हैं। वर्ग की ही हम बात कर लेते हैं। अगर आप इसको किसी के मुंह से सुनेंगे तो ज्यादातर लोग वेयर पढ़ते हैं, वेयर, जबकि वेयर एकदम रॉन्ग होता है। इसका जो एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो वर है, वेयर रॉन्ग है। तो फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसके पहले आप वेयर यूज करते थे तो प्लीज अब से आप वर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही करेक्ट है। आइए देख लेते हैं वर का यूज कहाँ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुवचन कर्ता, उनके साथ वर का यूज होता है। बहुवचन कर्ता हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ वर का यूज होता है। नोट, आई के साथ हमेशा वॉच लगता है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज को अगर आप देखेंगे तो जो हम उसमें ट्रांसलेशन करते थे वहां पे हमेशा आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी जो कि एम था। आई के साथ हमेशा एम यूज होता था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है। आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, ना कि वर यूज होता है। बहुत सारे लोग अगर केयर से लर्न नहीं करते हैं तो यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ही वो आई के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते आए हैं, और जब पास्ट टेंस में केयर नहीं करते हैं तो आई के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देते हैं, तो यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ वॉज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब लगता है। आइए आगे देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह डॉक्टर था, जो मेन पास्ट टेंस होता है। मेन पास्ट टेंस, अभी हम पास्ट
टेंस के सब पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेन पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। उसमें एक्शन नहीं दिखता है, मेन वर्ब नहीं दिखता है। जैसे वह डॉक्टर है तो वह के विषय में बताया जा रहा है कि वह क्या है, ये नहीं कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे एक्शन नहीं दिखता है, यहाँ पे जो वह है उसका जो वॉच वर है वो वह को डॉक्टर से कनेक्ट करती है, लिंक करती है। एक प्रकार से वॉच वर लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है पास्ट टेंस में, मेन पास्ट में। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। वह की स्पेलिंग होती है ही, वह डॉक्टर था, मीन्स किसी मेल के विषय में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ही यूज होता। अगर किसी फीमेल के विषय में बात किया जा रहा होता तो यहाँ सी यूज होता। ही उसके बाद ही सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसके साथ वॉज यूज होगा। ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज ए डॉक्टर। उसके बाद तुम्हारी बहन खुश थी, तुम्हारी के लिए योर यूज होगा, योर सिस्टर, बहन के लिए सिस्टर, योर सिस्टर। अब देखना यहाँ पे है कि ये है देखना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि योर लगा है, यू तो क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे योर है तो ये इसको क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट माना जाएगा, बट यहीं पे रॉन्ग समझते हैं, गलत समझते हैं। यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, इसके साथ ये देखना है कि योर के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो किस फॉर्म में है, प्लूरल में है कि सिंगुलर में है। यहाँ सिस्टर सिंगुलर में है, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है, योर सिस्टर, इस वजह से ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज होगा। योर सिस्टर वॉज, तुम्हारी बहन खुश थी, वॉज हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश। आगे देख लेते हैं, वह बीमार था, ही वॉज इल, इल मीन्स होता है बीमार। वह एक राजा था, ही वॉज अ किंग। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जो कि बहुत इजी है। प्रैक्टिस सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। दे डॉट 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 ऑनेस्ट, अब इसमें हमको भरना है वाज या वर, वाज या वर में से कोई एक भरना है, इसमें फिलअप करना है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है। फ्रेंड्स आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो दे है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ वर लगता है, तो हम यहाँ पे वर यहाँ से पिकअप करेंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे वर। कंप्लीट हो गया, दे वर ऑनेस्ट, वे लोग बहुत ईमानदार थे। उसके बाद यहाँ पे दिया है वी डॉट डॉट टीचर्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो वी है वो भी प्लूरल फॉर्म का ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगुलर फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, वर प्लूरल के साथ लगता है, तो यहाँ से हम प्लूरल लेंगे, वेयर वर लेंगे, जो वर है इसको लेंगे और यहाँ पे फिलअप कर देंगे वी वर टीचर्स, हम लोग। आगे देखते हैं, एक हम डिफरेंट किए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट भरना है, यहाँ पे जो वॉज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भरना है। वॉज वेरी पुअर दिया है, आप लोगों को तो पता ही है सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, तो ये कि यहाँ पे सिंगुलर का सब्जेक्ट है, एक प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो ही को उठा के हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे ही वॉज वेरी पुअर। आगे देखते हैं, ही ए डॉक्टर, ये फ्रेंड्स
क्या से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सबसे पहले ही दे दिया है, ही के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज या वर लगाना है। तो हम लोग जो इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव करते थे, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे एंड देन सब्जेक्ट लगाते थे एंड देन वर्ब या फिर जो भी आता था कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड करते हुए जाते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉज या वर्ब में से कोई एक लगा लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम वॉज लगा लेंगे। वॉज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था, क्या वह एक डॉक्टर था। आगे देख लेते हैं, आई नॉट सिक, बीच में ब्लैंक है, खाली है, डॉट डॉट। अब इसमें हमको भरना है आई के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा। हमने आपको नोट में बताया हुआ था कि क्या कहते हैं, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आई प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है तो आई के साथ वर लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आई के साथ वॉज लगता है हमेशा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। आई वॉज नॉट सिक, मैं बीमार नहीं था। आगे देख लेते हैं, वेयर यू, ये जो बीच में प्रश्न पूछने वाला प्रश्नवाचक वाक्य आता है उस टाइप का है, डब्ल्यू एच टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे वॉज भरना है कि वेयर भरना है, वर भरना है, वॉज भरना है कि वर भरना है। देख लेते हैं, वेयर यू प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ वर ही लगेगा, तो यहाँ पे हम वर भरेंगे। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स या मैथ की तैयारी करनी है तो मेरे सेकंड चैनल पे आप विजिट करिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर वीडियो भी देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। जय हिंद।